We shall read 1 John 4, 9 and 10. हम पढ़ेंगे पहला योहन्ना 4 अध्याय उसका 9 और 10 पद। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। He loves you with an everlasting love. वह सदा के प्रेम के साथ आपसे प्रेम करता है। He will intercede for you night and day. वह रात दिन आपके लिए मध्यस्थता करता रहेगा। Secondly, दूसरी बात, In John 17:15, योहन्ना 17 अध्याय उसके 15 पद में, He says, I am praying for you. वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। There he prays to God. वहाँ वह परमेश्वर के सामने यह प्रार्थना करता है। Father, पिता, I have protected them as long as I was in this world. जब तक मैं इस संसार में था मैंने उनकी रक्षा की। Now you protect them from the evil one. अब आप उस दुष्ट जन से उनकी रक्षा करें। From the devil. उस दुष्ट से। From Satan. शैतान से। Please protect them. कृपया उनकी रक्षा करें। 1 Peter 5:8 says. पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 पद बताता है। The devil is all the time running here and there. Searching whom he can devour. शैतान हर समय सिंह के समान इधर उधर भागते हुए ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। He is like a roaring lion. वह गरजते हुए सिंह के समान है। Every day he is at our back. हर दिन वो हमारे पीछे पड़ा रहता है। Therefore the Lord Jesus Christ prays for us. इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। Dear Father. प्रिय पिता. Please protect them from the evil one. कृपया उस दुष्ट जन से उनकी रक्षा कर। I read the story of a young man. मैंने एक नौजवान के बारे में एक कहानी पढ़ी। His mother was not a Christian. उसकी माँ मसीही नहीं थी। And she told him one day. और उसकी माँ ने एक दिन उससे कहा, My son, मेरे बेटे, you can pray to other gods for other favors. तू दूसरी बातों के लिए दूसरे ईश्वरों से प्रार्थना कर सकता है। But, लेकिन, when you are in danger, जब तू खतरे में हो, use the name of Lord Jesus. तो प्रभु यीशु के नाम का इस्तेमाल करना। He'll surely help you. वह निश्चय तेरी सहायता करेगा। One day this boy went to the mountains. एक दिन यह लड़का पहाड़ पर गया। He was enjoying the scenery. वह वहां के दृश्य का मजा ले रहा था। Suddenly he felt a rustling sound behind. अचानक उसे अपने पीछे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। He turned back. वह पीछे मुड़ा। He saw a big cobra. और उसे एक बहुत बड़ा कोबरा सांप दिखाई दिया। Following him. जो उसके पीछे आ रहा था। And ready to strike. और वह हमला करने के लिए तैयार था। And the boy remembered his mother's advice. और उस लड़के को अपनी माँ की सलाह याद आई। And he cried out. और उसने पुकारा, Lord Jesus. प्रभु यीशु। Lord Jesus. Yes. प्रभु यीशु। Help me. मेरी सहायता कर। Suddenly the cobra became very alert. और एकदम से वो कोबरा बहुत सचेत हो गया। It got a terrible fear. वो बुरी तरह से डर गया। Turned back. वापस मुड़ा। And rushed away from that spot. और वहां से भाग गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when we cry in the name of Jesus, जब हम यीशु के नाम में पुकारते हैं, the whole heaven becomes alert, तो पूरा स्वर्ग सचेत हो जाता है, and God will remember, और परमेश्वर स्मरण करता है, I have to protect my son, मुझे अपने बेटे की रक्षा करनी है, Lord Jesus is praying by my side all the time, प्रभु यीशु मसीह हर समय मेरे पास बैठा प्रार्थना कर रहा है, so don't be unduly afraid of the devil. इसलिए बिना वजह शैतान से ना डरें। He cannot hit us without the permission of the Most High God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा के बिना वह हम पर हमला नहीं कर सकता। And in John 17 and 17. और योहन्ना 17 अध्याय उसके 17 पद में। Jesus prays for us every day. यीशु हर दिन हमारे लिए प्रार्थना करता है। Father, sanctify them. पिता उन्हें पवित्र कर। In Leviticus 22 and verse 32. लेविय व्यवस्था 22 उसके 32 पद में। God says, परमेश्वर कहता है, I am the Lord who sanctifies you. मैं ही तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। Only I can do that. केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। Therefore Jesus prays to him. इसलिए यीशु उससे प्रार्थना करता है। Father, sanctify my. पितावे। पिता मेरे लोगों को पवित्र कर। Every night when we come back. हर रात जब हम वापस घर आते हैं। When we come down and kneel down at our bed. अपने बिस्तर के पास आकर घुटने टेकते हैं। It was that time God shows us wherever we erred. तो उसी समय परमेश्वर हमें दिखाता है कि हमने कहां गलती की।
Several years ago, I was in Bombay. बहुत साल पहले मैं बॉम्बे में था. A very dear brother from Kerala was there, Mavelikara. और केरला मावेलिकरा से एक प्रिय भाई वहाँ पर रहते थे. His name was Brother George. उनका नाम भाई जॉर्ज था. He heard about me. उन्होंने मेरे बारे में सुना. He came to see me. वो मुझसे मिलने के लिए आए. I was there for nearly 2.5 months. मैं करीब 2.5 महीने तक वहाँ रहा. Every weekend he will come. हर सप्ताह के अंत में वो मेरे पास आते. Take me home. मुझे अपने घर लेकर जाते. Make me very happy. मुझे बहुत खुश करते. Then he'll bring me back on Monday morning. और फिर सोमवार की सुबह वो मुझे वापस छोड़ जाते. Very wonderful person. बहुत अच्छे व्यक्ति थे. One day he told me. एक दिन उन्होंने मुझे बताया. Brother. भाई. When Jesus comes and speaks to you. जब यीशु आकर आपसे बात करता है. Ask him what he thinks of me. उससे पूछें कि वह मेरे बारे में क्या सोचता है. In a lighter vein he said that. उन्होंने मजाक में यह बात कही. That night. उस रात. It's my habit to kneel down after all my work is done. मेरी आदत है कि अपना सारा काम खत्म करने के बाद मैं घुटने टेकता हूँ. And Jesus would come. और यीशु आता है. It was that time I would pray for everyone who has asked me to pray for them. और उसी समय मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने मुझे प्रार्थना के लिए कहा होता है. That night Jesus came. उस रात जब यीशु आया. He told me. उसने मुझसे कहा. I was listening to what George told you today. आज जो जॉर्ज ने तुमसे कहा मैंने उसे सुना. Go and tell him this. जाकर उसे यह बता. He came to this city without any job. जब वो इस शहर में आया तो उसके पास कोई काम नहीं था. He was sleeping on the footpath. वह फुटपाथ पर सोता था. Then he would cry. और फिर वो रोता था. Lord, I have nothing to eat. प्रभु मेरे पास खाने के लिए नहीं है. Please give me some job. कृपया मुझे कोई काम दें. I got him a good job. मैंने उसे एक बहुत अच्छी नौकरी दिलाई. Now he is number one in that company. अब उस कंपनी में वो सबसे ऊपर है. Those days he used to pray in the morning. उन दिनों वह सुबह प्रार्थना किया करता था. Night also he will pray. रात को भी वो प्रार्थना करता था. I used to enjoy his prayer. मुझे उसकी प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी. But now when he comes back. लेकिन अब जब वो वापस आता है. He throws his suitcase. वो अपना सूटकेस फेंकता है. Briefcase. अपना ब्रीफकेस फेंकता है. And he says, "Oh, I'm so tired." और कहता है मैं बहुत थक गया हूँ. I don't feel like praying to God. मेरा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मन नहीं कर रहा. I will pray tomorrow. मैं कल प्रार्थना करूँगा. Jesus said. यीशु ने कहा. Every night I will come and wait for him to come and talk to me. हर रात मैं आता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ कि वह आकर मुझसे बात करे. I'll wait for him to talk to me. मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ कि वो मुझसे बात करे. But I'll go away broken hearted. लेकिन फिर टूटा हुआ दिल लेकर वापस जाता हूँ. Because he always says, "I am tired. I am tired." क्योंकि वो हमेशा यह कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ। Please tell him this. तू यह बात उसे बताना। That weekend came. फिर वो सप्ताहांत आया। Brother George came to take me home. और वो भाई जॉर्ज मुझे ले जाने के लिए आया। And he asked me. और उसने मुझसे पूछा। Did you ask Jesus? क्या आपने यीशु से पूछा? I said even before my asking, he told me certain things. मैंने कहा मेरे पूछने से पहले ही उसने मुझे कुछ बातें बता दी। Sir, really? उसने कहा सच में? Really? सच में? Yes, I said yes. मैंने कहा हाँ. Then I told him the whole thing. और फिर मैंने उसे पूरी बात बताई. Oh, he cried and cried. और वह लगातार रोता जा रहा था. He cried and cried. वो लगातार रोता रहा. So that is true. यह सच है. That is true. यह सच है. Hereafter I'll not go to bed without praying. आज के बाद मैं बिना प्रार्थना किए बिस्तर पर नहीं जाऊंगा. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, it's only when we wait at the feet of God, जब हम परमेश्वर के चरणों में प्रतीक्षा करते हैं केवल तभी, God sees our shortcomings, परमेश्वर हमारी कमियों को देखता है, and he shows them to us, और उन्हें हमें दिखाता है, and he cleans up our lives, और हमारे जीवन को शुद्ध करता है, this happens because Jesus prays for us, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है, Father sanctify them, पिता उन्हें पवित्र कर, Father make my son holy. पिता मेरे बेटे को पवित्र बना. Make my daughter holy. मेरी बेटी को पवित्र बना. And in John chapter 17, 11 and 21. यूहन्ना 17 अध्याय उसके 11 और 21 पद में. Jesus prays. यीशु प्रार्थना करता है. Father let them be one. पिता वे सब एक हों. As you and I are one. जैसे तू और मैं एक हैं. Let them be one. वे भी एक हों. So the world will see that they are one. ताकि संसार देखे कि वे एक हैं. That is why we love each other. इसीलिए हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं. How much happiness we have when we sit like this together. जब हम इस तरह से इकट्ठा बैठते हैं तो कितनी खुशी मिलती है. We may go to so many places.
चाहे हम कहीं भी जाएं, but still we don't have this happiness. लेकिन हमें यह खुशी नहीं मिलती. But when we come as God's children together like this, लेकिन जब हम इस तरह से परमेश्वर के बच्चों के रूप में इकट्ठा होते हैं, we love each other. हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं. Once a friend of mine went to Germany. एक बार मेरा एक मित्र जर्मनी गया. He went to a church on Sunday. वहाँ एक इतवार के दिन वह चर्च में गया. He couldn't understand anything because the whole service was in Germany. लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सारी सभा जर्मन भाषा में हुई. But they sang one song in Germany. लेकिन जर्मन भाषा में उन्होंने एक गीत गाया. That was known to him. वो उसे आता था. That is in Tamil also. वो गीत तमिल में भी है. When they sang in Germany. जब उन्होंने जर्मन भाषा में वो गीत गाया. This man. तो इस व्यक्ति ने. Sang it in Tamil. उस गीत को तमिल भाषा में गाया. Everybody looked at him. सब लोग उसकी ओर देख रहे थे. But nobody frowned at him. Everybody smiled. लेकिन किसी को बुरा नहीं लगा. सब लोग मुस्कुरा रहे थे. The service was over. सभा समाप्त हुई. The pastor stood at the gate. पासबान द्वार पर खड़ा हुआ. He shook hands with everybody. और सबसे हाथ मिलाया. When this man came. और जब यह व्यक्ति आया. He greeted him in German. तो उसने जर्मन भाषा में उसका अभिनंदन किया. My friend could not understand anything. मेरे दोस्त को कुछ समझ में नहीं आया. He greeted him in English. उसने उसके अभिनंदन का जवाब अंग्रेजी में दिया. The pastor understood. पासबान को समझ में तो आ गया. He didn't know what to say. लेकिन वह नहीं जानता था कि अब आगे क्या कहे. Then my friend sang that wonderful song in Tamil. और फिर मेरे उस दोस्त ने उस सुंदर गीत को तमिल भाषा में गाया. When he sang that in Tamil. जब उसने तमिल में यह गीत गाया. You know the meaning of that song. क्या आप इस गीत का अर्थ जानते हैं? Oh my heart, don't get discouraged. हे मेरे मन, तू निराश ना हो. God will send you the right kind of help at the right kind of time. परमेश्वर सही समय पर तेरे लिए सही सहायता को भेजेगा. The pastor began to sing it in German. पासबान जर्मन भाषा में इसे गाने लगा. One man in Tamil. एक व्यक्ति तमिल में गा रहा है. One man in German. एक व्यक्ति जर्मन भाषा में गा रहा है. Both of them cried. और दोनों रो रहे हैं. Both of them embraced each other. दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया. They never felt that they never knew each other's language. उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि वो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं. This happens because Jesus prays for us. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है. Father, let them be one. पिता, होने दे वे एक हों. As we are one. जैसे हम एक हैं. That's why we go to the church. इसीलिए हम चर्च जाते हैं. That's why we enjoy being in the church. इसीलिए हमें चर्च में जाना अच्छा लगता है. We enjoy every Sunday service. प्रत्येक रविवार की सभा हमें आनंदित करती है. My dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों. Jesus Christ prays for us every day. यीशु मसीह हमारे लिए हर दिन प्रार्थना करता है. As long as we are going to live in this world. जब तक हम इस संसार में जीवित रहेंगे. The master is going to pray for us. स्वामी निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करता रहेगा. His love is an everlasting love. उसका प्रेम अनंत काल का प्रेम है. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों. The greatest gift that we get from God is love. परमेश्वर से जो सबसे बड़ा दान हमें मिलता है वह है प्रेम. He is willing to give this to us. वो यह दान हमें देने के लिए तैयार है. It comes to us through the baptism of the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा हमें मिलता है. Romans chapter 5 and verse 5. रोमियो 5 अध्याय उसका 5 पद. The love of God is shed abroad in our hearts through the Holy Spirit. परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला जाता है. May God fill you with the Holy Spirit. परमेश्वर करे कि वह आपको अपने पवित्र आत्मा से भरे. May God grant you this Holy Spirit. परमेश्वर आपको यह पवित्र आत्मा प्रदान करे. May God bless you with this divine love. परमेश्वर आपको यह अलौकिक प्रेम देकर आशीषित करे. Our precious heavenly Father. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी. What a great God you are. आप कैसे महान परमेश्वर हैं. You poured out your love upon all of us on the cross. आपने क्रूस पर अपने लिए हमें से हर एक लिए अपना प्रेम उडेला है. Yes, your love, supreme love, has been showered upon us through the sacrifice you made on the cross, Father. हाँ पिता, क्रूस पर आपके बलिदान के द्वारा आपका वो सर्वोच्च प्रेम हमारे लिए उंडेला गया है. The father, a mother crying because they have wayward children, remember the master. जिनके माता पिता प्रभु जी अपने उन बच्चों की खातिर जो भटके हुए रो रहे हैं, आप उन्हें स्मरण करें. Touch each and every children, maybe a girl child or a boy child who is going away from you, O Father. पिता, हर एक उस बच्चे को जो आपसे दूर भटक रहे हैं, आप चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें स्मरण करें. Touch their hearts right now.
इसी समय उनके हृदयों कुछ Maybe their parents are crying. हो सकता है उनके माता पिता रो रहे हैं। I have done my best. मैंने अपना सर्वोत्तम किया वो But कहते these children are going away from the Lord. लेकिन ये बच्चे परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। Father, help me. They may be crying like that. शायद वो ये कहते रोते हैं कि पिता मेरी सहायता But Father, लेकिन पिता Who can help them? उनकी कौन सहायता करेगा Who can help कौन उनकी सहायता कर सकता Love of Father. ये केवल आपका प्रेम है पिता। Which was shed from the cross. जो आपने कलवरी के क्रूस के ऊपर बहाया Let it come upon such children. ऐसे बच्चों पर वो प्रेम आने पाए। The children who are going away from you. ओ जो बच्चे आपसे दूर जा रहे हैं। Who are following the ways of Satan. और जो शैतान के तौर तरीकों पर चल रहे हैं। Touch them, Lord. प्रभु ने छू ले। Bring them back to you. उन्हें आपके पास वापस Bring ले them back to you. उन्हें वापस फिर ला। Let them be transformed. वे बदल जाएं। Speak to them through your word. अपने वचन से उनसे बातचीत करें। Speak to them. उनसे बात करें। Right now. इसी समय। All those wayward children. हर एक भटके हुए Let them come back. वो वापस आए। Let them come back to you, ओ पिता वो आपके पास Let them become your children. वे आपकी संतान बने। Cleanse them, Lord, with your blood. अपने लहू से धो दे पिता। Thank you, Lord, for all the children who are following your way. हर एक बच्चे के लिए धन्यवाद प्रभु जो आपके पीछे चल रहे Bless the parents. ऐसे माता पिता को आशीष Let them have a life which will be a model to their children. वे एक ऐसा जीवन जिए जो उनके बच्चों के लिए अनुकरणीय हो Those who are not following you. जो आपके पीछे नहीं चलते Maybe the mother or the father who is away from you. शायद वो माता या पिता जो आपसे बहुत दूर है Touch them, Lord. उन्हें छू ले पिता Bring them to your fold. उन्हें अपने वापस अपने घेरे में ले Let the whole family have you. As the God Almighty in the heart. और उन्हें दे पूरा परिवार आप महान परमेश्वर के रूप में अपने हृदय में रखें। Touch each and everyone who are crying right now. Each home. हर एक घर में एक चमत्कार करें। In each person's life. हर एक व्यक्ति के जीवन में। Let them all be transformed. वे सारे बदल जाएं। Either the father or mother or children, let them all be transformed by the power of God. चाहे माता हो, पिता हो, चाहे बच्चे, हर एक परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा बदल जाएं। Thank you, Father, for the love you have showered upon every one of us on the cross. प्रभु जी क्रूस के ऊपर आप में हर एक के लिए जो प्रेम बहाया उसके लिए आपका धन्यवाद फादर मेक एवरी होम ए ब्लेस्ड होम ए क्राइस्ट सेंटर्ड होम पिता हर एक घर को घराने को आप एक आशीषित और ख्रिस्ट केंद्रित परिवार बना इन जीसस नेम वी प्रे यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं आमेन